प्रयागराज से कानपुर तक ट्रेन में भूख ले यात्री। कानपुर प्रयागराज सूबेदारगंज से देहरादून जा रही देहरादून एक्सप्रेस 14113 एसी सेकंड कोच का एसी प्लांट ट्रेन के चलते ही जवाब। कानपुर प्रयागराज सूबेदारगंज से देहरादून जा रही देहरादून एक्सप्रेस 14113 एसी सेकंड कोच का एसी प्लांट ट्रेन के चलते ही जवाब दे गया। कानपुर सेंट्रल आने तक यात्रियों को ट्रेन में ही उबलना पड़ा। मंगलवार रात 12 बजे ट्रेन सेंट्रल के प्लेटफॉर्म 3 पर आए। कंट्रोल की सूचना पर एसीएम संतोष त्रिपाठी और सुरक्षा बल के जवान पहुंचे। यात्रियों की हालत देखकर रेलवे अफसरों ने तत्काल कोच खाली करा दूसरा जोड़ा। इस चक्कर में ट्रेन 2 घंटे देरी से देहरादून रवाना हो सकी। ट्रेन सूबेदारगंज से रात 8:52 बजे कानपुर के लिए चली। 5 मिनट बाद यात्रियों ने कूलर न होने की अटेंडेंट से शिकायत की। ट्रेन फतेहपुर तक पहुंच गई, फिर भी कूलर न होने पर यात्रियों ने रेल मंत्री और रेलवे अफसरों को एक्स पर ट्वीट किया। सेंट्रल पहुंचने पर कंट्रोल की सूचना पर रेलवे अमला मौके पर पहुंचा। इलेक्ट्रिक इंजीनियर एसी प्लांट ठीक करने में लगे रहे पर सफल न हुए। उधर यात्री गर्मी और उमस से बेहाल होने लगे तो अफसरों ने तत्काल कोच को ट्रेन से अलग करने का फैसला किया। दूसरा एसी कोच मंगवा उसे लगवाया। सभी यात्रियों को उसी में शिफ्ट करा दिया गया।